हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद ठाकुर। आज इस वीडियो में 12th क्लास का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री और कोलाइडर सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करूंगा। सरफेस केमिस्ट्री से 12th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर होता है, बट आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी करेक्टर इसके अंदर नहीं रहता है। फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हम लोग ऐसा मानते हैं, परसेप्शन है कि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ज्यादा रहता है, थियोरिटिकल पार्ट कम होता है। हालांकि फिजिकल केमिस्ट्री का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री द फिजिक्स ऑफ केमिस्ट्री मींस वेयर वी स्टडी द थ्योरीज ऑफ केमिस्ट्री, मींस जहां पे हम लोग साइंटिस्टों का थ्योरी पढ़ते हैं वही सेक्शन केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। तो यहां पे थ्योरी तो पक्का पढ़ेंगे हम लोग, बट न्यूमेरिकल्स यहां पे नहीं होता है। बहुत मुश्किल से मैं सरफेस केमिस्ट्री में दो न्यूमेरिकल्स आपको पकड़ाऊंगा और वो दोनों ही न्यूमेरिकल्स एडवांस एग्जाम में आया और कहीं नहीं आया। सरफेस केमिस्ट्री के सेकंड सेक्शन के नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में बहुत डिफिकल्टी के साथ मुझे कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेगा। हालांकि कोलाइडल सॉल्यूशन से कुछ न्यूमेरिकल्स जेई मेन में एग्जाम में और नीट एग्जाम में रेगुलरली आता है, लेकिन बहुत माइनर न्यूमेरिकल होता है जहां पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है मोलारिटी का। मींस यह सेक्शन कंप्लीट थ्योरेटिकल है, बट इस चैप्टर का सबसे अच्छा जो ब्यूटी है वो यह है कि दिस चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट एग्जाम, जेई मेन एज एडवांस। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन आता है, सब मिलाकर के 5 मार्क्स तक का आ सकता है। नीट एग्जाम में 2 क्वेश्चन रहता है, जेईई मेन में 2 रहता है, ये एडवांस में कभी कभी सरफेस केमिस्ट्री और कोलाइडर सॉल्यूशन से 4 क्वेश्चन तक रह सकता है। मीन्स ये एडवांस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। इमेजिन, मीन्स इतना बड़ा सेक्शन, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन एक चैप्टर से होना बहुत मुश्किल है, लेकिन होता है क्योंकि ये चैप्टर काफी स्कोपिक है। ये चैप्टर कई सारे चैप्टर को अपने में कनेक्ट कर लेता है। मीन्स यह चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर कनेक्ट करता है, यह चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर को कनेक्ट करता है, यह चैप्टर सॉलिड स्टेट को कनेक्ट करता है। इसकी वजह से इसका रेंज बहुत बढ़ जाता है। हालांकि इस चैप्टर में मैं जो कुछ पढ़ाऊंगा इसको इत्मीनान से अगर आप सुनते हो और लिखते हो तो इस चैप्टर का हर क्वेश्चन आप एग्जाम में बना सकते हो। इसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, एक बार इसको पढ़ो और इसके बाद एग्जाम के जस्ट पहले बार पढ़ना और क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। स्टार्ट सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री इज न्यूली एडेड चैप्टर इन 12th क्लास। इससे हम लोग जिस समय पढ़ते थे 12th में उस समय नहीं था, अब ये सरफेस केमिस्ट्री आया है। सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी स्टडी द सरफेस फेनोमेना ऑफ सॉलिड और लिक्विड। अब सॉलिड और लिक्विड क्यों, गैस क्यों नहीं, तो क्लियर सी बात है जिसके पास सरफेस होगा उसी के पास सरफेस केमिस्ट्री होगा। गैस के पास सरफेस होता ही नहीं है क्योंकि सरफेस होने के लिए आपके मैटर के जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो मोलिकुल होते हैं, उसको आपस में इंटरकनेक्टेड रहना पड़ेगा। जो इंटरकनेक्टेड रहेंगे तभी उनका एक सरफेस बनेगा जिसको आप देखते हो। गैस में ऐसा होता नहीं है, गैस के मोलिकुल एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, उसमें कोई सरफेस नहीं होता है। तो यह चैप्टर बेसिकली सॉलिड और लिक्विड के लिए है, उसमें भी स्पेशली सॉलिड के लिए, क्योंकि लिक्विड के पास भी सरफेस होता है बट उतना मतलब डोमिनेंटली नहीं होता है उसका प्रॉपर्टीज, क्योंकि लिक्विड एंड गैस में भी मोलिकुल्स एक लिमिटेड रीजन मोशन करते हैं। इसकी वजह से उनका सरफेस फिनोमेना बहुत इफेक्टिव नहीं है। लिक्विड के पास जो सरफेस फिनोमेना है जिसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, वो फिजिक्स से पढ़ा जाता है। इसलिए केमिस्ट्री बहुत कुछ नहीं रहता है लिक्विड के बारे में पढ़ना। इसलिए इस चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री में मैं बोलूंगा जरूर यहाँ पे सरफेस फिनोमेना स्टडी होगा सॉलिड और लिक्विड का, लेकिन स्पेशली मैं सॉलिड के सरफेस फिनोमेना को ही आपसे पढ़ाऊंगा। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो कोई भी सॉलिड जैसे मेटल आपका है या कोई कंपाउंड है जो सॉलिड आपके सामने है, उसके सरफेस को आप देख करके लगता है कि इसके सरफेस का स्टडी हम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सॉलिड के सरफेस के ऊपर कई सारे दूसरे मोलिकुलर स्पेसीज उसके ऊपर अट्रैक्टेड रहते हैं जो आप लोग को नॉर्मली दिखता नहीं है। अगर आप चाहते हो किसी मेटल का, किसी पार्टिकल का एक्चुअल सरफेस पता करें, तो उसके लिए उसको एक ऐसी जगह पर रखना होगा जहां वैक्यूम हो, इवैक्यूएट करना होगा। जब आप इवैक्यूएट करोगे तब उसका एक्चुअल सरफेस दिखेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में चारों तरफ गैसेस है, O2 है, N2 है, हर पार्टिकल जो आपको दिखता है कि उसकी सरफेस नीट एंड क्लीन है ऐसा नहीं रहता है, उसके ऊपर अच्छा खासा गैसेस का लेयर रहता है जो हम लोग नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं। अगर आप एक्चुअल सरफेस देखना चाहते हो तो आपको गैस को, आपको उस बॉडी को, सॉलिड बॉडी को ऐसे भेजे में रखना होगा जहां वैक्यूम हो। वैक्यूम का मतलब क्या हुआ, वैक्यूम का मीनिंग हुआ जहां एयर भी ना हो। एयर नहीं होने का मीनिंग क्या हुआ, जहां पे प्रेशर बहुत बहुत कम हो। आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 bar के और 1 atm के लगभग मानते हैं, जो 10^5 पास्कल होता है।
अगर आप एक ऐसे वेजल में किसी सॉलिड को रखो जिस वेजल का प्रेशर 10^-8 और 10^-9 पास्कल अगर है, प्रेशर 10^-8 से लेकर के 10^-9 पास्कल के इस बीच में है, तब बोलेंगे कि वह हमारा जो वेजल है वो इवैक्यूएटेड है। उसमें अगर कोई सॉलिड रखोगे तो उसका जो सरफेस आपको दिखेगा वो एक्चुअल सरफेस दिखेगा, क्योंकि ऐसे जो सरफेस देखते हो एक्चुअल रहता नहीं। इस वजह से किसी भी सॉलिड के सरफेस का बहुत सारा फिनोमेना होता है, उसी को हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है एडसॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री का पहला पॉइंट है एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन का डेफिनेशन होता है, क्योंकि अभी मैं बताया हूं कि किसी भी सॉलिड के सरफेस के ऊपर बहुत सारे मोलिकुलर स्पेसिस मीन्स गैसियस पार्टिकल्स अट्रैक्टेड रहता है। अब उस फिनोमेना का नाम है एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन का डेफिनेशन होता है, एक्युमुलेशन और अट्रैक्शन ऑफ मोलिकुलर स्पेसिस एट द सर्फेस ऑफ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। कहीं भी किसी सॉलिड के और लिक्विड के सर्फेस के ऊपर मोलिकुलर स्पेसिस को जो अट्रैक्शन होता है, जो एक्युमुलेशन मीन्स जमोरा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एडसॉर्प्शन बोलते हैं। मीन्स ए कंप्लीट सर्फेस फिनोमेना है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लकड़ी या वॉल के ऊपर, आप ब्रिक्स के ऊपर पेंट करते हो, पेंट करने के बाद आप देखो पेंट ब्रिक्स के सर्फेस पे है। अगर आप ब्रिक्स को उठाकर उसको ब्रिक को अगर आप तोड़ोगे तो उसके इनसाइड क्या रहेगा जी, कलरलेस रहेगा, कोई कलर नहीं रहेगा। मीन्स कलर उसके अंदर नहीं गया, मीन्स कलर कहां पे रह गया, ब्रिक के सरफेस पे रह गया। तो आप बोल सकते हो ब्रिक्स एडजर्व पेंट, ब्रिक पेंट को एडजर्व रखा है क्योंकि अपने सर्फेस पे रखा है। जब कोई मोलिकुलर स्पेसिस, वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, जब किसी सॉलिड बॉडी के सरफेस पे अट्रैक्टेड रहता है ओनली, तो उसको बोलते हैं हम लोग एडसॉर्प्शन। दिस इज को मैं यहां पे दिखाया हूं पिक्चर में। दिस इज सॉलिड बॉडी एंड डॉटेड पार्ट इज मोलिकुलर स्पेसिस, जिसको ये सॉलिड अपने सरफेस पे अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। इसी फिनोमेना का नाम है एडसॉर्प्शन। अट्रैक्शन ऑफ मोलिकुलर स्पेसिस एट द सर्फेस ऑफ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन में टेक्निकल नेम है, जो बॉडी एडसॉर्ब करता है, मीन सॉलिड बॉडी को हम बोलते हैं एडसॉर्बेंट, एडसॉर्प्शन करने वाला, और मोलिकुलर स्पेसिस को बोलते हैं एडसॉर्बेंट। ये हर जगह मैं इसी टर्म से बात करूंगा। अब मीन्स एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन में जो सॉलिड बॉडी को हम लोग बोलते हैं एडसॉर्बेंट और मोलिकुलर स्पेसिस को एडसॉर्बेंट। अब अगला फिनोमेना है एब्जॉर्प्शन। ये कॉमन होता है। एब्जॉर्प्शन में होता क्या है, कोई एक बॉडी जिस दूसरे मोलिकुलर स्पेसिस को पूरे अपने बल्क में एब्जॉर्ब करता है। मींस आप स्पॉन्ज को वाटर में डालो, स्पॉन्ज को अगर वाटर में डालोगे और स्पॉन्ज को बाहर निकालोगे तो पूरे स्पॉन्ज के वॉल्यूम में वाटर चला जाता है, तो बोलेंगे स्पॉन्ज एब्जॉर्ब्स वाटर। मींस जब कोई मोलिकुलर स्पेसिस किसी सॉलिड बॉडी के पूरे वॉल्यूम में, मींस पूरे बल्क में अगर अट्रैक्टेड है, तो उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। मींस अट्रैक्शन और एक्युमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पेसिस इन द बल्क ऑफ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। हियर सरफेस फिनोमेना नहीं है। एब्जॉर्प्शन को मैं बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर भी पढ़ा जाता है। एब्जॉर्प्शन नॉर्मल फिनोमेना, ये सरफेस फिनोमेना नहीं होता है, ये बल्क फिनोमेना होता है। सॉलिड बॉडी के पूरे वॉल्यूम में यह अट्रैक्शन होता है। तीसरा जो है वो एडसॉर्प्शन है। एडसॉर्प्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। मींस एडसॉर्प्शन वह फिनोमेना है जहां पे सॉलिड बॉडी मोलिकुलर स्पेसिस को अपने वॉल्यूम के साथ साथ अपने सरफेस पे भी अट्रैक्ट करता है। मींस इन द केस ऑफ एडसॉर्प्शन, मोलिकुलर स्पेसिस आर अट्रैक्टेड इन द वॉल, इन द बल्क ऑफ सॉलिड बॉडी एज वेल एज एट द सर्फेस ऑफ सॉलिड बॉडी। दिस इज एडसॉर्प्शन, this is absorption and this is adsorption। ये फिनोमेना हुआ आपका, तीनों का डिफरेंस मैं आपको बताया। एक फोर्थ है डिजॉर्प्शन, मैं आगे बताऊंगा इसका भी यूज आपको मिलेगा। डिजॉर्प्शन क्या हुआ, मीन्स ये जस्ट आपका एडसॉर्प्शन का इनवर्स प्रोसेस है, या रिवर्स बोलो, रिवर्स प्रोसेस है। मीन्स जब सॉलिड बॉडी के सरफेस से मोलिकुलर स्पेसिस रिमूव होता है, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिजॉर्प्शन। मीन्स रिमूवल ऑफ मोलिकुलर स्पेसिस from the surface of solid body is called desorption। यह हुआ desorption, absorption, adsorption and adsorption। ये मैं सारे फिनोमेना बताया। अब है कि इसका
डे टू डे लाइफ में क्या यूज है, या कोई एग्जाम्पल है कि नहीं? एब्जॉर्प्शन मतलब पूरा एग्जाम्पल है, मैक्सिमम किसी एक सॉलिड को किसी लिक्विड में डालते हो, हर जगह एब्जॉर्प्शन ही होता है, बट इस सब का एग्जाम्पल क्या है? इस सब का बहुत सारा एग्जाम्पल है, मीन्स एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल सीरीज में तुम सब देखते हो, कई सारे बैग्स या कुछ आप खरीदोगे तो उसमें छोटे से पैकेट रखा रहता है, उस पर लिखा रहता है सिलिका जेल। सिलिका जेल आपका सिलिका जेल SiO2 2H2O मीन्स यह सिलिका जेल होता है, ये सिलिका सिलिकन सिलिकॉन ऑक्साइड रहता है, ये आपका सरफेस, ये सरफेस अपने सरफेस पे आप मॉइस्चर को मीन्स वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है, तो यह भी ये जो फिनोमेना शो करता है वो आपका एब्जॉर्प्शन में आता है, मीन्स कहीं भी किसी एटमॉस्फेयर को आपको वाटर वेपर फ्री करना है तो आप सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं, सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड, ये सब वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं अपने सरफेस पे करता है। हाँ, एब्जॉर्प्शन की बात है तो कैल्शियम क्लोराइड करता है, कैल्शियम क्लोराइड जब वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है तो वो वाटर वेपर कैल्शियम क्लोराइड के बल्क में चला जाता है, इसीलिए कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रेट हो जाता है, लेकिन सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल ये अपने सरफेस पे वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है, और इसलिए सिलिका जेल एल्यूमिना जेल का जो फिनोमेना है वह फिनोमेना एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। एब्जॉर्प्शन का और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मीन्स आपके चारकोल जो आपका है, चारकोल अपने सरफेस पे बहुत सारे मॉलिक्यूलर स्पीसीज को अट्रैक्ट करता है, एक तो बड़ी पॉपुलर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो आप डे टू डे लाइफ में देखते भी होंगे, कई जगह पे आप देखते हो मार्केट में बैठा रहता है सब वो मतलब कोई जादूगर टाइप का है, कोई आप मतलब जादू दिखाने वाला है, कोई संत दिखाता है कि नहीं, कोई तांत्रिक है बोलेगा आपको ऊपर भूत है बोलेगा कि, और बोलेगा आओ मैं भूत हटा दूंगा, काली कलकत्ते वाली करता है, और एक पानी ले लिया जाता है और पानी में जैसे डालता है हड्डी आपका नाम लेकर कुछ डालेगा, पानी पूरा रेड कलर का हो जाएगा, मीन्स आपके ऊपर भूत का साया है। अब उस भूत को हटाने के लिए वो क्या करेगा, एक हड्डी उठाएगा और हड्डी को ऐसे दो बार घुमाएगा, फू करके मारेगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन कलरलेस हो गया, रेड कलर गायब हो गया, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। जो चारकोल होता है, चारकोल बहुत ही बेहतरीन एडजर्वेंट होता है, वो अपने सरफेस पे कलर डाई को अट्रैक्ट कर लेता है, मीन्स कलर प्रोड्यूस करने वाले जो पिगमेंट है उसी को अट्रैक्ट कर लेता है, जैसे चारकोल सोल्यूशन में जाता है, सोल्यूशन में जितना भी कलर है सारे कलर पार्टिकल को चारकोल एडजर्व कर लिया, चारकोल एनिमल के बोन्स को चारकोल हम बोलते हैं, तो उससे पूरा का पूरा अट्रैक्ट हो गया। अब पूरे जब सारे कलर ही अट्रैक्ट हो गए हैं आपके चारकोल पे तो फिर सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है, और इस तरह से तांत्रिक सामने वाले के भूत को भगा देता है, तो ये भूत भगाना भी इसी एग्जाम्पल के अंदर आता है, मीन्स बहुत सारा एग्जाम्पल है एडजर्प्शन का जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी। अब अगला पॉइंट ये आता है कि आखिर एडजर्प्शन होता कैसे है, मीन्स व्हाई ए सॉलिड बॉडी अट्रैक्ट मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट इट्स सरफेस, कोई सॉलिड बॉडी अपने सरफेस से मॉलिक्यूलर स्पीसीज को अट्रैक्ट करता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। मीन्स सॉलिड बॉडी अपने सरफेस पे मॉलिक्यूलर स्पीसीज को कैसे अट्रैक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अट्रैक्शन ऐसे नहीं हो सकता है। तो सॉलिड बॉडी अपने सरफेस पे किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज को कैसे अट्रैक्ट करता है वो मैकेनिज्म आपको बताने जा रहा हूं, उस मैकेनिज्म को देखो। देखो जी, यह सॉलिड बॉडी है, यह सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हुए, इस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सॉलिड बॉडी, अब होता क्या है, सॉलिड बॉडी के बल्क में मीन्स इनसाइड कोई भी मॉलिक्यूल आप कंसीडर करो, दिस मॉलिक्यूल इज यूनिफॉर्मली सराउंडेड, मीन्स इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ एक ही जैसा मॉलिक्यूल है, इसका मीनिंग यह हुआ कि यह मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली अट्रैक्टेड है, इस मॉलिक्यूल को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा,
इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट भी कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट 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 कर रहा है। मींस सॉलिड के अंदर बल्क में, मींस सॉलिड के अंदर इस बल्क में कोई भी मॉलिक्यूल आप कंसीडर करोगे, वह मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली स्टैंडर्ड रहता है, जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल के ऊपर चारों तरफ से एक ही जैसा फोर्स लगता है, और ऐसा होने से नेट फोर्स इसके पास जीरो हो गया, नेट फोर्स इज जीरो। मैं यहां पे मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूं आपको, मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन का मैकेनिज्म, सॉलिड बॉडी के इनसाइड उसके बल्क में कोई भी मॉलिक्यूल कंसीडर करोगे, उस मॉलिक्यूल नेट फोर्स जीरो रहेगा, क्योंकि वह मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली सराउंडेड है। लेकिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट सरफेस ऑफ सॉलिड बॉडी आर नॉट यूनिफॉर्मली सराउंडेड, उसके नीचे तो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यह मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा, यह अट्रैक्ट करेगा, यह अट्रैक्ट करेगा, यह अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इसके ऊपर एयर है, इसलिए जितना फोर्स इस सॉलिड इस मॉलिक्यूल के नीचे वाले मॉलिक्यूल इसके ऊपर लगाएगा, ऊपर कोई फोर्स लगाने वाला ही नहीं है। मींस ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड बॉडी एट द सरफेस, मींस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस सॉलिड बॉडी आर नॉट यूनिफॉर्मली सराउंडेड, सो दे एक्सपीरियंस ए नेट डाउनवर्ड फोर्स। मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट सरफेस हैव नेट डाउनवर्ड फोर्स, सबके पास एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता है। इसको रेसिड्यूअल फोर्स कहा जाता है, मींस सब पे नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। दिस नेट डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट सरफेस एनर्जी, इसके वजह से सरफेस के पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाता है, जो एक अनदर फिनोमेना है, जो लिक्विड के सरफेस टेंशन के रिस्पॉन्सिबल है। खैर वो अलग मैटर है, फिलहाल मैं बता रहा हूं कि सॉलिड के जितने मॉलिक्यूल सरफेस पे है उस सभी मॉलिक्यूल के ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता है, और दिस डाउनवर्ड फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडसॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसिस, accumulation of molecular species at the surface of solid body। क्योंकि जैसे ही सॉलिड के सरफेस के करीब से कोई गैस पास करता है, किसी गैस का लेयर पास करता है, ये गैस आपका पास कर रहा है सॉलिड के सरफेस के करीब से, जैसे ही सरफेस को टच करे कोई गैस पास करता है, ये सॉलिड के जितने भी सरफेस पार्टिकल है सब पे नीचे फोर्स लग रहा है। इसके वजह से जो पार्टिकल सॉलिड के सरफेस को टच कर पास करता है उस सब पे नीचे की तरफ फोर्स लगने लगता है। डाउनवर्ड फोर्स लगने की वजह से यह मॉलिक्यूल जो सरफेस को टच किया है वो सरफेस के पार्टिकल से अट्रैक्ट हो जाता है, और सरफेस के पार्टिकल से अट्रैक्ट होने का मीनिंग हुआ कि वह उससे एक्युमुलेट हो जाता है। सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल है उन सब पे नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता है, इसी डाउनवर्ड फोर्स की वजह से सरफेस को टच करके निकलने वाले गैसेस के ऊपर एक फोर्स लगने लगता है, और उस फोर्स की वजह से एक गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड के सरफेस से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन, मींस नेट डाउनवर्ड फोर्स एट द मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड एट द सरफेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडसॉर्प्शन। जितने भी सरफेस पे सॉलिड के सरफेस पे मॉलिक्यूल है उस सब पे नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता है, वही नेट डाउनवर्ड फोर्स आपके एडसॉर्प्शन पे रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे ही कोई मॉलिक्यूलर स्पेसिस सॉलिड के सरफेस को टच करके निकलता है, वो मॉलिक्यूलर स्पेसिस या सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और वही डाउनवर्ड फोर्स इस मॉलिक्यूलर स्पेसिस को पुल करके भी सॉलिड के सरफेस में टच करा देता है। और आपको पता है कि जैसे ही दो अलग मॉलिक्यूल मींस एक सॉलिड है और एक मॉलिक्यूलर स्पेसिस है जैसे कॉन्टेक्ट में आया, उनके बीच में ऑटोमेटिकली वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। वेंडरवाल फोर्स, बिकॉज वेंडरवाल फोर्स इज ए वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड मोलिकुल्स और एटम। टू नॉन बॉन्डेड मोलिकुल एटम जैसे ही कम क्लोजर आता है उनके बीच में एक वीक फोर्स लगने लगता है, उसी वीक फोर्स का नेम है वेंडरवाल फोर्स। तो जैसे ही मॉलिक्यूल्स आपका गैस मॉलिक्यूलर स्पेसिस सॉलिड के सरफेस के कांटेक्ट में आता है, ये फोर्स लगना शुरू हो जाता है, और इस फोर्स की वजह से गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस से एक तरह से बंध जाता है, बाइंड हो जाता है, एक्युमुलेट उसके ऊपर हो जाता है, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन।
में से क्लियर हो गया कि जब भी एडसॉर्प्शन होगा गैस मोलेकुल्स और सॉलिड के बीच में, गैस मोलेकुल्स और सॉलिड के जो पार्ट सॉलिड है उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया। और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिस्टम के अंदर बढ़ता है, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिस्टम के अंदर बढ़ेगा, सिस्टम का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। जब सिस्टम का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा तो पक्का सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा। इसलिए ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, मींस एडसॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक फिनोमेना ऑलवेज एट ऑल टेम्परेचर। मींस एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक इसलिए हुआ क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स और सॉलिड बॉडी के बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने से सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी बढ़ता है, और जब भी स्टेबिलिटी बढ़ेगा सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा, और जब भी सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा बोलेंगे प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। इसलिए एडसॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसका डेल्टा एच निगेटिव होता है, डेल्टा एच एडसॉर्प्शन निगेटिव। अब ये तो मैं बता दिया आपको कैसे किस तरह से एडसॉर्प्शन हुआ, एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के फिजिबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि तो क्लियर है कि कोई प्रोसेस, कोई केमिकल रिएक्शन तभी हो सकता है जब उस केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एच निगेटिव हो। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग थर्मोडायनेमिक्स हमें यह बताता है कोई प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं, और इसके फिजिबिलिटी टेस्ट का तरीका है डेल्टा जी। अब मैं चेक करने जा रहा हूं कि एडसॉर्प्शन प्रोसेस का डेल्टा जी निगेटिव है कि नहीं है, क्योंकि अगर डेल्टा जी निगेटिव नहीं होगा तो यह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। डेल्टा एच भले आपका निगेटिव है लेकिन प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। मीन्स स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी निगेटिव होना जरूरी है। तो डेल्टा जी कैलकुलेट करने से पहले हम लोग डेल्टा एस कैलकुलेट करेंगे। मीन्स डेल्टा एस एडसॉर्प्शन मीन्स एंट्रोपी ऑफ एडसॉर्प्शन, एंट्रोपी ऑफ एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन के डेली एंट्रोपी क्या होगा। देखो एडसॉर्प्शन से पहले गैस मॉलिक्यूल्स फ्री था, गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहा था। आफ्टर एडसॉर्प्शन गैस मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड विद सॉलिड बॉडी, मींस रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर डिक्रीजेस, मींस रैंडम मोशन गैस मॉलिक्यूल्स आर डिक्रीज्ड। दिस ड्यू टू दिस डिक्रीमेंट इन रैंडम मोशन एंट्रोपी ऑफ गैस डिक्रीजेस। मींस जब एडसॉर्प्शन होगा तो पूरे सिस्टम का एंट्रोपी में डिक्रीमेंट होगा। पहले जितना एंट्रोपी था उससे एंट्रोपी कम होगा। जब फाइनल एंट्रोपी इनिशियल से कम हो गया तो चेंज एंट्रोपी क्या होगा, निगेटिव होगा। मींस यहां पे डेल्टा एस एडसॉर्प्शन निगेटिव होगा। अब हमें पता करना है डेल्टा जी क्या होगा। किसी भी प्रोसेस के फिजिबिलिटी का दो क्राइटेरिया होता है, एक चेंज इन एंथैल्पी, दूसरा एंट्रोपी, दोनों ही निगेटिव है तो चेक करते हैं क्या होगा। वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, मींस डेल्टा जी एडसॉर्प्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच एडसॉर्प्शन माइनस टी डेल्टा एस एडसॉर्प्शन। हियर डेल्टा एच एडसॉर्प्शन इज नेगेटिव, डेल्टा एच जी एडसॉर्प्शन हियर दिस इज नेगेटिव, ये निगेटिव, बट डेल्टा एस भी निगेटिव है तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स ये निगेटिव और ये आपका निगेटिविटी पॉजिटिव हो गया, इसका भी निगेटिव रखेंगे तो निगेटिविटी पॉजिटिव का टी डेल्टा एस। मीन्स डेल्टा जी एडसॉर्प्शन इज इक्वल टू हो गया टी डेल्टा एस एडसॉर्प्शन माइनस डेल्टा एच एडसॉर्प्शन। मींस डेल्टा जी निगेटिव तब होगा जब टी डेल्टा एस का वैल्यू डेल्टा एच से कम होगा। मींस इफ टी डेल्टा एस इज लेस देन डेल्टा एच एडसॉर्प्शन देन डेल्टा जी एडसॉर्प्शन इज निगेटिव। इसका मीनिंग यह हुआ कि जब एडसॉर्प्शन फिनोमेना का टी डेल्टा एस का वैल्यू डेल्टा एच से जब कम होगा
तब डेल्टा जी निगेटिव होगा, मीन्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि डेल्टा एस तो आपके कंट्रोल में है नहीं, किसी प्रोसेस के ड्यूरिंग एंट्रोपी में चेंज कितना होगा ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, किसी प्रोसेस के ड्यूरिंग एंथैल्पी में चेंज कितना होगा वो भी आपके कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ ए प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ रैंडमनेस, तो आपके कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में है टेम्परेचर। टी डेल्टा एस डेल्टा एच से कम होना चाहिए, ये तब हो सकता है जब टेम्परेचर लोअर होगा। इट मीन्स लोअर टेम्परेचर पे डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होगा, मीन्स एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस फिनोमेना एट लोअर टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर लोअर है, जब टेम्परेचर कम होगा तो डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होगा, एडजॉर्प्शन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ऐसा हो सकता है हाइयर टेम्परेचर पे टी डेल्टा एस डेल्टा एच के इक्वल हो जाए तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर और टेम्परेचर और बढ़ा दोगे तो ऐसा हो सकता है टी डेल्टा एस डेल्टा एच से ज्यादा हो जाए और डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर उस केस में प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, मींस एडजॉर्प्शन फिनोमेना इज स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर। दिस इज कंक्लूजन ऑफ आवर डिस्कशन एंड डेरिवेशन। तो इस तरह से यह एडजॉर्प्शन का मेकानिज्म था, मीन्स मैं आपको बताया कि एडजॉर्प्शन होता कैसे है, एडजॉर्प्शन के रिस्पॉन्सिबल कौन है, एडजॉर्प्शन के रिस्पॉन्सिबल है एयर रेसिडुअल फोर्स, जो सॉलिड के सरफेस के प्रेजेंट मॉलिक्यूल के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगता है, इसी की वजह से एडजॉर्प्शन फिनोमेना होता है। हालांकि आगे मैं आपको बढ़ाऊंगा कि एडजॉर्प्शन का दो टाइप है, एक को बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक को बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन यही होता है जिसको मैं एक्सप्लेन किया। फिजिकल एडजॉर्प्शन में सॉलिड बॉडी और मॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में आपके मॉलिक्यूलर स्पेसिज और सॉलिड बॉडी के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, दैट केमिकल बॉन्ड में भी कोवेलेंट और आयनिक कुछ भी हो सकता है, तो वो थोड़ा अलग होगा लेकिन मैकेनिज्म यही होगा, सेम सब कुछ होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन में थोड़ा सा चीजें डिफरेंस आएगा लेकिन मैकेनिज्म वही रहता है, जो मैकेनिज्म मैं यहां बताया हूं वही मैकेनिज्म केमिकल में रहेगा। कि आपको देखो, आप देखोगे कि कई बार लोअर टेम्परेचर पे कोई गैस पहले फिजिकली एडजॉर्ब होता है और बाद में वो केमिकल एडजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है, इसको आगे मैं बताऊंगा, लेकिन दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। नाउ टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के बेसिक दो कैटेगरी है, वन इज फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड अदर इज केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे फिजॉर्प्शन, फिजिकल का लिया और एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन का लिया, फिजॉर्प्शन हो गया। सिमिलरली केमिकल एडजॉर्प्शन इज ऑल्सो कॉल्ड केमिजॉर्प्शन। दोनों में फंडामेंटल फर्क है, दोनों में क्या डिफरेंस है। फिजिकल एडजॉर्प्शन आपका फिजिकली होता है, मीन्स जब कोई सॉलिड बॉडी के सर्फेस से कोई गैस आपका टच करके भी चला जाता है, मीन्स जैसे ही उसको टच करता है आपका सॉलिड बॉडी उस गैस की और मॉलिक्यूलर स्पीसीज को अट्रैक्ट कर लेता है, जो अट्रैक्शन वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। उस अट्रैक्शन की वजह से जब गैस अट्रैक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन है, मीन्स फिजिकली हमारा सॉलिड बॉडी गैस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किया हुआ है। यहाँ पे वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सॉलिड बॉडी और गैस मॉलिक्यूल, सॉलिड बॉडी और मॉलिक्यूलर स्पीसीज के बीच में। मीन्स फिजिकल एडजॉर्प्शन जब आपका होता है, यहाँ पे कोई केमिकल चेंजेज नहीं होता, मीन्स कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिया था। मिसाल के तौर पर सॉलिड बॉडी है, इससे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मीन्स हाइड्रोजन गैस अट्रैक्ट हो गया, इस अट्रैक्शन को हम बोलेंगे यह हुआ फिजिकल एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल। केमिकल एडजॉर्प्शन किससे बोलेंगे, केमिकल वर्ड आ गया, मीन्स यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। केमिकल रिएक्शन का मीनिंग हुआ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का मीनिंग हुआ केमिकल बॉन्ड ब्रेकिंग भी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन नथिंग जस्ट लाइक रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। कहीं भी किसी भी प्रोसेस में अगर एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और एटम्स के रीअरेंजमेंट होने के लिए जरूरी है कि एटम का जो पहले का बॉन्ड है ब्रेक हो और फिर न्यू बॉन्ड फॉर्म हो। इस वजह से केमिकल रिएक्शन में एट बॉन्ड फॉर्म भी होता है और बॉन्ड ब्रेक भी होता है, इसलिए केमिकल एडजॉर्प्शन में बॉन्ड ब्रेक भी होगा और बॉन्ड फॉर्म भी होगा। अब यहां पर मैं थोड़ा एग्जाम्पल बता दूं,
प्लैटिनम है यह, प्लैटिनम का एक छोटा सा पीस है। अब प्लैटिनम के सरफेस पे यहां पे मैं दिखा रहा हूं, प्लैटिनम के सरफेस पे हमारा यह मॉलिक्यूलर स्पीशीज हाइड्रोजन गैस अट्रैक्टेड है, यह फ्यूजन है। यहां पे हाइड्रोजन गैस और प्लैटिनम के बीच में वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब केमिकल एडजेक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, मींस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है और बॉन्ड ब्रेक होकर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर यह प्लैटिनम हाइड्रोजन एटम से अट्रैक्ट हो जाता है, मींस इसके साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। केमिकल बॉन्ड बिटवीन प्लैटिनम एंड एच एटम, यह हुआ केमिकल रिएक्शन। अब ये होता कैसे है, अब ये कैसे हो सकता है? तो हाइड्रोजन मोलेकुल एटम में कन्वर्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक उसको हीट एनर्जी ना दिया जाए। तो दुनिया का ऑल केमिक रिएक्शन पहले फ्यूजन रिएक्शन करता है, मींस हाइड्रोजन मोलेकुल हाइड्रोजन का प्लैटिनम के साथ अगर केमिक रिएक्शन हो रहा है तो पहले फ्यूजन रिएक्शन हुआ होगा, मींस पहले हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम के सरफेस से वैन डर वाल फोर्स से अट्रैक्ट होता है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं हायर टेम्परेचर पे हाइड्रोजन मोलिकुल का बीच का बॉन्ड हाइड्रोजन मोलिकुल का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, मींस होमोलाइसिस हो जाता है, होमोलाइसिस हायर टेम्परेचर पे होमोलाइसिस हो जाता है। होमोलाइसिस होने के बाद हाइड्रोजन मोलिकुल एटम बन गया और जब एटम हो गया तो प्लैटिनम से कनेक्ट हो गया, मींस लोअर टेम्परेचर पे आपका फ्यूजन रिएक्शन है, वही हायर टेम्परेचर पे क्या हो जाता है केमिक रिएक्शन। हाई टेम्परेचर पे केमिक रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्लियर हो गया फ्यूजन रिएक्शन का डेफिनेशन हुआ। फ्यूजन रिएक्शन में मॉलिक्यूलर स्पीशीज या सॉलिड बॉडी के बीच में वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, बट इन द केस ऑफ केमिक रिएक्शन ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट। दैट केमिकल बॉन्ड मे बी आयनिक और कोवेलेंट, कुछ भी हो सकता है, यह केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। केमिक रिएक्शन जितने भी केमिक रिएक्शन दुनिया में होता है वो लोअर टेम्परेचर पे पहले फ्यूजन रिएक्शन रहता है और हायर टेम्परेचर पे केमिक रिएक्शन में कन्वर्ट होता है। तो यह मैं आपको केमिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन का डेफिनेशन बताया, लेकिन इस डेफिनेशन से क्लियर नहीं होगा आपको, केवल डेफिनेशन समझने से नहीं समझ में आएगा कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन कैसे होता है और केमिकल एड्सॉर्प्शन कैसे होता है। इसके लिए बकायदा आपको इनके करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना होगा, इसलिए मैं बताने जा रहा हूं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स कौन कौन से फैक्टर है जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिक रिएक्शन। जब ये दोनों को आप पढ़ोगे तब क्लियरली समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या फर्क है और दोनों में क्या सिमिलरिटीज है और दोनों का टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या है। तो पहले यहां पर देखते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कि यहां फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यह है कि यहां पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, मींस देयर इज नो स्पेसिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिकेशन? इसका मीनिंग यह है कि यहां पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कोई भी गैसेस अट्रैक्ट हो, सॉलिड के सरफेस के ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, CO हो या NO हो, मींस N2 हो या O2 हो, NO गैस हो या CO गैस हो, कोई भी गैसेस अट्रैक्ट हो, ऑल गैसेस अट्रैक्टेड विथ सॉलिड बॉडी इन सिमिलर मैनर, सब के सब एक ही जैसा अट्रैक्ट होता है, सब में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, O2 हो या NO2 हो, आपका हाइड्रोजन गैस हो या नाइट्रोजन गैस हो, सब के सब जब सॉलिड बॉडी से अट्रैक्ट होगा फिजिकली तो वैन डर वाल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वैन डर वाल फोर्स ही एग्जिस्ट करता है, राइट? मींस नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक इज देयर इज नो स्पेसिफिकेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड लैक ऑफ स्पेसिफिकेशन, मींस यहां पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि O2 के लिए कोई अलग स्पेसिफाइड तरीका एडजर्व होने का और N2 के लिए अलग हुआ, ऐसा नहीं है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन,
फिजिकल एडजर्प्शन का सेकेंड करेक्टरिस्टिक यह होता है, सेकेंड करेक्टरिस्टिक यह है कि यहां पे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एडजर्प्शन होता है। जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस एडजर्प होगा। ये बात भी सिंपल है, आप समझते हो, गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा ज्यादा गैस मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पे आकर गिरेगा, क्योंकि गैस के अमाउंट को हम लोग प्रेशर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा गैस हीट करेगा सॉलिड के सरफेस को, और जितना ज्यादा सॉलिड का सरफेस को गैस हीट करेगा उतना ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन होगा, एडजर्प्शन होगा। मींस एडजर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, राइट। अब यहां पे एडजर्प्शन को हम लोग, अब एडजर्प्शन के अमाउंट को कैसे रिप्रेजेंट करें, मींस हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एडजर्प्शन। तो एडजर्प्शन के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने सॉलिड बॉडी लिया, सॉलिड बॉडी, और सॉलिड बॉडी के मास को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एम मास ऑफ सॉलिड बॉडी, मास ऑफ सॉलिड बॉडी। इसके ऊपर मोलिकुलर स्पेसिस जो अट्रैक्ट है, अट्रैक्टेड मोलिकुलर स्पेसिस यह है, इसके मास को मैं एक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यह हुआ मोलिकुलर स्पेसिस। मोलिकुलर स्पेसिस इसके मास को मैं एक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्स, एक्स मास ऑफ मोलिकुलर स्पेसिस। देन एक्स बाय एम इज व्हाट, एक्स बाय एम इज मास ऑफ मोलिकुलर स्पेसिस एट पर यूनिट मास ऑफ सॉलिड बॉडी। मीन्स आप एक्स हुआ मास ऑफ एडजॉर्बेंट, एम हुआ मास ऑफ एडजॉर्बेंट, तो एक्स बाई एम हुआ मास ऑफ एडजॉर्बेंट एट पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। क्योंकि इसको कैसे लिखेंगे हम लोग मैथमेटिकली, ऐसे लिख सकते हैं कि जब हमारे एडजॉर्बेंट का मास एम ग्राम है तो एडजॉर्बेंट का मास एक्स ग्राम है, तो जब एडजॉर्बेंट का मास वन ग्राम होगा तो एडजॉर्बेंट का मास कितना होगा, एक्स बाई एम ग्राम। तो क्या हुआ, मास ऑफ एडजर्बेंट एट पर यूनिट मास ऑफ एडजर्बेंट। तो एक्स बाई एम के टर्म्स में ही हम लोग एडजर्प्शन का स्टडी करेंगे। मीन्स एडजर्प्शन क्या हुआ आपका, एक्स बाई एम क्या हो गया, मास ऑफ एडजर्बेंट एट पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। क्लियर हो गया। अब एक्स बाई एम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। एक्स बाई एम रिप्रेजेंट कर रहा है कि एडजॉर्बेंट के यूनिट मास पे, एडजॉर्बेंट के यूनिट मास पे जितना मास आपका एडजॉर्बेंट का है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जितना ज्यादा एक्स बाई एम का वैल्यू होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। मीन्स वी रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स बाई एम। तो कहीं भी एडजॉर्प्शन मुझे दिखाना होगा एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट, तो मैं एक्स बाई एम के टर्म्स में बोलूंगा। अब यहां आइए, मेरा अगला पॉइंट है, मैं एक बता दिया कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वो है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो क्लियर है कि एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, सॉलिड बॉडी के सरफेस में ही मोलिकुलर स्पेसिस अट्रैक्ट होता है। तो सॉलिड का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एडजर्प्शन होगा। मींस रेट ऑफ फिजिजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एडजर्प्शन। इसके बाद अगला जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है और नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स यह है कि फिजिजॉर्प्शन इज ए रिवर्सिबल फिनोमेना। फिजिजॉर्प्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि क्लियर बात है कि वेंटर वाल फोर्स की वजह से
हमारा गैस मॉलिक्यूलर स्पेसिस सॉलिड बॉडी अट्रैक्ट हुआ है और रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी रहता है, उस थर्मल एनर्जी की वजह से जो गैस मॉलिक्यूल्स प्लैटिनम का सरफेस में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड है, हो सकता है उसमें से कुछ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थर्मल एनर्जी की वजह से यहां से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, मींस डिसॉर्प्शन भी हो सकता है। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन एक रिवर्सिबल फिनोमेना होता है, मींस एडसॉर्प्शन भी होता है और कुछ गैस मॉलिक्यूल जो एडसॉर्ब्ड है वो रिमूव होकर बाहर निकल जाता है, मींस फिजिकल एडसॉर्प्शन हैज रिवर्सिबल नेचर। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन। ये क्लियर है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे जो गैस मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड है सॉलिड के सरफेस से उसका बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जैसे यहां पे प्लैटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड है, टेम्परेचर बढ़ाने से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का बढ़ेगा थर्मल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो गैस मॉलिक्यूल्स सॉलिड के सरफेस से अट्रैक्टेड है वो क्या हो जाएगा जी, रिमूव होकर बाहर जा सकता है, सॉलिड के सरफेस से अवे हो सकता है, मींस मींस डिसॉर्प्शन विल बी स्टार्टेड, मींस टेम्परेचर विल प्रमोट डिसॉर्प्शन। इससे क्लियर हो गया कि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड दिस विल बी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ डिसॉर्प्शन विथ टेम्परेचर। अगर मैं इस एक्सिस पे रखूं अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन एक्स बाई एम को और इस एक्सिस में रखूं टेम्परेचर को, तो क्लियरली है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ फिजिजॉर्प्शन डिक्रीज होगा, मीन्स दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स फिजिजॉर्प्शन, यह फिजिजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है। This graph represents phase absorption because the rate of phase absorption decreases with increasing temperature. क्यों मैं बताया अभी आपको, temperature बढ़ने से molecules का kinetic energy बढ़ेगा, kinetic energy बढ़ने से उनका removal शुरू हो जाएगा और इस वजह से x by m की value decrease होगा। तो यह temperature dependency है physical absorption का, यही सबसे बड़ा difference होगा phase absorption और chemical absorption के बीच में। इसके बाद जो अगला पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है वो यह है कि फिजिजॉर्प्शन इज मल्टीलेयर्ड फिनोमेना। मल्टीलेयर्ड फिनोमेना मींस जब भी गैसेस चलता है तो लेयर में चलता है, गैस जब भी कहीं भी चलता है लेयर में चलता है, वो एक लेयर में नहीं रहता है। अगर यहां पे प्लैटिनम के सर्फेस पे इस तरह से हाइड्रोजन गैस गया था, ऐसा नहीं है, इस लेयर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ये अट्रैक्ट हो गया, मीन्स हाइड्रोजन अगर चलेगा गैस तो पूरा लेयर में चलेगा, मीन्स एक लेयर है, एक लेयर है, मीन्स सब गैस का लेयर है, इस लेयर में भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इस लेयर में मॉलिक्यूल्स हैं, इस लेयर में मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है गैसेस लेयर में फ्लो करता है, मोशन करता है, तो सबसे नीचे वाले लेयर को सॉलिड बॉडी अट्रैक्ट करता है और नीचे वाला लेयर अपने ऊपर वाले लेयर को अट्रैक्ट करता है, उसके ऊपर लेयर को अट्रैक्ट करता है। मीन्स यहां पे यह मान लो गैस हमारा थ्री लेयर में मोशन कर रहा है, सबसे नीचे लेयर को सॉलिड बॉडी अट्रैक्ट कर लिया, यह लेयर इस लेयर को अट्रैक्ट कर लिया, यह लेयर इस लेयर को अट्रैक्ट कर लिया, कर सकता है बिकॉज ए वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो सॉलिड का हो या गैस का हो, जो वैन डेर वाल फोर्स यहां एग्जिस्ट करता है वो यहां भी करता है, यहां भी करता है। तो इस तरह से फिजिजॉर्प्शन जब भी होता है गैस की एक ही लेयर सॉलिड बॉडी से अट्रैक्टेड नहीं रहता है, मल्टी लेयर अट्रैक्टेड रहता है, मींस मोर देन वन लेयर अट्रैक्टेड रहता है। तो यह फिजिकल एडसॉर्प्शन का एक और करेक्टरिस्टिक्स है जो इसको केमिकल एडसॉर्प्शन से डिफर करेगा। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन का नेक्स्ट आपका करेक्टरिस्टिक्स यह था। इसके बाद जो करेक्टरिस्टिक्स और लास्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो यह करेक्टरिस्टिक्स है कि फिजिकल एडसॉर्प्शन लो एंथैल्पी का एडसॉर्प्शन है। ये तो क्लियर है कि एडसॉर्प्शन कोई भी हो, एडसॉर्प्शन विल बी ऑलवेज एक्सोथर्मिक, सो इन द केस ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज लो, मींस यहां पे एंथैल्पी जो होता है वो लो रहता है, मींस यहां पे डेल्टा एच का वैल्यू 20 किलो जूल पर मोल से लेकर के
40 किलोजूल पर मोल के आसपास रहता है, तो कम होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है किसी केमिकल रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज होगा। ये माइनस माइनस साइन का मीनिंग हीट एनर्जी रिलीज होता है। माइनस 20 किलोजूल से लेकर माइनस 40 किलोजूल तक डेल्टा एच रहता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन का। मीन्स फिजिकल कोई भी आपको पता है किसी केमिकल रिएक्शन का इंथैल्पी कितना निगेटिव होगा, मीन्स कितना हीट एनर्जी रिलीज होगा, इस पर डिपेंड करता है उस केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। और यहां तो क्लियर है कि जो भी स्टेबिलिटी बढ़ रहा है इसकी वजह से एक वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है इसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। और यही वजह है कि फिजिकल एडजर्प्शन एक लो इंथैल्पी प्रोसेस है, लेकिन इंथैल्पी निगेटिव होता है मीन्स हीट एनर्जी रिलीज होता है। वो तो मैं पहले ही बताया हूं कि कोई भी एडजर्प्शन हो वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक ही होगा। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडजर्प्शन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एडजर्प्शन। केमिकल एडजर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के बाद आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन केमिजॉर्प्शन एंड फिजिजॉर्प्शन। केमिकल एडजर्प्शन का फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यह है कि यहां पे केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट फर्स्ट, जबकि फिजिजॉर्प्शन में क्या होता था, वैन डर वाल फोर्स लगता था। जैसे ही पता चला कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है वैसे ही कंफर्म हो गया कि हियर स्पेसिफिसिटी इज प्रेजेंट, क्योंकि अलग अलग आइटम्स अलग अलग तरह का बॉन्ड फॉर्म करेगा, इस वजह से केमिकल केमिजॉर्प्शन में स्पेसिफिसिटी होता है। हाइड्रोजन एडजर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, नाइट्रोजन एडजर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइड, ऑक्सीजन एडजर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनोक्साइड एडजर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनाइल। मीन सब अलग अलग तरीका से एडजर्ब होता है क्योंकि यहां पे केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, और केमिकल बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फॉर्म करेगा और डिफरेंट डिफरेंट तरह का कंपाउंड फॉर्म करेगा। सो केमिजॉर्प्शन हैज ए स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी यहां पर रहता है, स्पेसिफिक गैसेस स्पेसिफिक तरीका से एडजर्ब होता है एडजॉर्बेंट के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज मोनोलेयर्ड। ये तो क्लियर सी बात है कि जैसे ही आप मोलिकुलर स्पेसिस को हिट करोगे, जैसे यहां पे हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम के सरफेस से अट्रैक्टेड है, हियर फिजिकल एडजर्प्शन इज प्रेजेंट। नाउ ड्यूरिंग हीटिंग डेफिनेटली जैसे ही हिट करोगे जितने भी है इस हाइड्रोजन गैस के इस H2 मॉलिक्यूल से दूसरे लेयर पे जो मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड है पक्का वो सब यहां से एस्केप हो जाएगा। कुल टेम्परेचर बढ़ाने के बाद सबका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो सबसे नीचे वाला जो लेयर है जिस लेयर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से आपका यह एडजॉर्बेंट केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा उसको छोड़ करके रेस्ट सारे लेयर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, डिजॉर्ब हो जाएंगे। सो केमिकल एडजॉर्प्शन इज मोनोलेयर्ड फिनोमेना और प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज इवरी केमिकल एडजॉर्प्शन इज फिजिकल एडजॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर। कोई भी मोलिकुल पहले फिजिकली एडजॉर्ब होता है सॉलिड बॉडी से, फिर जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उस मोलिकुल का बॉन्ड ब्रेक होता है, मोलिकुलर स्पेसिस एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फिर वो एटम एडजॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है, और फिर योर फिजिजॉर्प्शन बिकम्स केमिजॉर्प्शन। सो एवरी केमिजॉर्प्शन इज फिजिजॉर्प्शन एट लोअर टेम्परेचर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन एंड विच ऑल्सो एक्सप्लेन्स रिलेशन बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। अब यही पॉइंट केमिजॉर्प्शन के टेम्परेचर डिपेंडेंसी को क्लियर करेगा। आप गौर से देखो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ग्राफ केमिजॉर्प्शन का। जब टेम्परेचर लोअर होगा तो केमिजॉर्प्शन लगभग नहीं होगा, लोअर टेम्परेचर पे
केमिकल बॉन्ड फॉर्म ही नहीं हो सकता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने के लिए जरूरी, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं H2 और प्लैटिनम को लिया हूं, जब टेम्परेचर लोअर होगा तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लैटिनम से अट्रैक्टेड रहेगा और वो फ्यूज ऑप्शन है, जब टेम्परेचर हाई होगा तब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होगा, फिर केमिक जर्प्शन स्टार्ट होगा। इसलिए लोअर टेम्परेचर पे केमिक जर्प्शन रेट बहुत कम होगा, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक होगा और ज्यादा से ज्यादा एटम केमिक जर्प्शन करेगा, लेकिन होते होते इस तरह से ग्राफ हो जाता है केमिक जर्प्शन का। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये ग्राफ इस तरह से क्यों हुआ, तो इसका मीनिंग यह है, एज फॉर एग्जाम्पल इसी से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब टेम्परेचर बहुत कम है उस समय कोई केमिक जर्प्शन नहीं, इसलिए जीरो दिखाया जा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे कुछ मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ब्रेक होता है और कुछ मॉलिक्यूल मेटल के साथ आपका एटम के सॉलिड के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है, टेम्परेचर के साथ आपके मॉलिक्यूलर स्पीसीज का बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके केमिक जर्प्शन करने का चांस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रहा, बढ़ते 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 एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पे रेट ऑफ केमिक जर्प्शन मैक्सिमम होगा, बिकॉज एट दिस टेम्परेचर मैक्सिमम मॉलिक्यूलर स्पीसीज विल बी डिसोसिएटेड इन फॉर्म ऑफ एटम्स एंड मैक्सिमम रेट ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, मीन्स इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम आपका मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा और सॉलिड बॉडी के साथ क्या फॉर्म करेगा, केमिकल बॉन्ड। लेकिन अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा बढ़ा दोगे तो ऐसा हो सकता है कि जो टेम्परेचर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करते रहा है एक लिमिट से बढ़ने के बाद वह टेम्परेचर का थर्मल एनर्जी आपके सॉलिड बॉडी और हाइड्रोजन के बीच जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसको भी ब्रेक कर सकता है। इसलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर करने पे आपके सॉलिड बॉडी और मॉलिक्यूलर स्पीसीज के बीच का मीन्स जो केमिकल बॉन्ड है वो ब्रेक होने लगता है, जब केमिकल बॉन्ड यह ब्रेक होने लगेगा तो रेट ऑफ केमिक जर्प्शन के बदले क्या शुरू हो जाएगा, डिजॉर्प्शन ऑफ केमिक जर्प्शन शुरू हो जाएगा, मीन्स जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो ब्रेक होकर के मॉलिक्यूलर स्पीसीज सॉलिड के सर्फेस को छोड़कर भागने लगेगा और इस तरीका से रेट ऑफ केमिक जर्प्शन कम होने लगता है। इसलिए इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट होगा, उतना ज्यादा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उतना ज्यादा केमिक जर्प्शन का रेट होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम होगा, लेकिन उस टेम्परेचर के बियॉन्ड जाओगे तो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि वह एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट के बीच के केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने लगता है और फिर रेट ऑफ केमिक जर्प्शन कम होने लगता है और घटते घटते वेरी हाई टेम्परेचर पे जीरो हो जाएगा। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिक जर्प्शन, यह केमिक जर्प्शन का करेक्टरिस्टिक्स ग्राफ है और वो फ्यूज जर्प्शन का था। तो इस तरीका से आप समझ सकते हो केमिक जर्प्शन किस तरह से टेम्परेचर से रिलेटेड रहता है। इसके बाद अगला करेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स यहां भी है, प्रेशर ज्यादा होगा तो यहां भी रेट ज्यादा होगा, फिर उसके अगला बात सर्फेस एरिया ज्यादा होगा तो यहां भी ज्यादा होगा, केमिक जर्प्शन भी सर्फेस एरिया बढ़ने के साथ बढ़ेगा, बट केमिक जर्प्शन रिवर्सिबल नहीं होता है, इसका नेचर रिवर्सिबल नहीं रहता है, ये इरिवर्सिबल नेचर का होता है। और लास्ट करेक्टरिस्टिक्स के बीच ऑप्शन गया हुआ कि यह डेल्टा जिसका नेगेटिव होगा मीन्स ये भी एक्टोथर्मिक होता है लाइक ऑफ फ्यूज ऑप्शन, बट इसका एंथैल्पी ज्यादा होता है, मीन्स इसका एंथैल्पी डेल्टा एच का वैल्यू आपका -80 से लेकर के -240 किलो जूल तक होता है, मीन्स केमिक ऑप्शन के ड्यूरिंग अच्छा खासा एनर्जी रिलीज होता है क्योंकि केमिक ऑप्शन में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है और जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा तब पक्का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अच्छा खासा होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीका से मैं आपको इस वीडियो में यह बताया कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है, सरफेस केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन और जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, और फिर मैं यह बताया कि एडसॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है, फिर साथ में बताया कि कितने टाइप का एडसॉर्प्शन होता है और जो फ्यूज ऑप्शन केमिक ऑप्शन है उसमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, सब कुछ बताया। फिर इस तरह से मैं आगे की और वीडियो में सरफेस केमिस्ट्री के बारे में आगे आपसे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, और ये सीरीज चलता रहेगा, मींस मैं इस वीडियो के द्वारा 12th क्लास के टॉपिक को मैं शुरू किया हूं और इस तरह से मैं आगे वीडियो बनाता रहूंगा और आपको समझता रहूंगा। आप मेरे वीडियो को देखिए, समझिए, अगर आपको वाकई अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए,
अगर कुछ इसमें लगता है कि नहीं और एक्सप्लेन होना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और आपके कमेंट का मोस्ट वेलकम होगा और आपका मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। अगर इच्छा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको फायदा यह है कि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिस पहुंच जाएगा और फिर आपका काम और आसान हो जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलरली आपको अपडेट करता रहूंगा यूट्यूब पे। ओके, थैंक यू।